नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर राजस्थान पुलिस वैकेंसी 2019 से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ देने वाला हूँ। वीडियो के आप लास्ट तक बने रहें। अभी दिखाता हूँ दोस्तों आपको बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़। ये देखिए दोस्तों, कांस्टेबल भर्ती के लिए 23 से होंगे आवेदन। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 21 नवंबर होगी। राजस्थान पुलिस में 5,500 कांस्टेबलों भर्ती के लिए पुलिस मुख्यालय ने बुधवार को विज्ञप्ति जारी कर दी है। कांस्टेबल भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 23 अक्टूबर से 21 नवंबर तक किए जा सकेंगे। ये परीक्षा 5,500 में से 5,390 पदों के लिए होगी। 2% खेल कोटे 110 पदों के लिए पृथक विज्ञप्ति जारी होगी। आवेदन ई मित्र की ओर जन सुविधा केंद्र व विभाग के वेबसाइट पर किए जा सकते हैं। भर्ती संबंधी नियम विस्तृत जानकारी पुलिस की वेबसाइट पर दी जाएगी। सामान्य वन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदन शुल्क 400 रुपये, अनुसूचित जाति जनजाति के 350 रुपये और ई मित्र पर आवेदन के लिए की शुल्क संचालक को 26 रुपये अतिरिक्त देय होंगे। फिर देखिए दोस्तों, आप दौड़ 10 की बजाय 5 किलोमीटर। इस बार भर्ती में अभ्यर्थियों को 10 किलोमीटर बल्कि 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। 22 से 25 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को 5 अंक मिलेंगे। 20 मिनट से अधिक दौड़ पूरी करने वाले को 10 तथा 20 से कम समय से पूरी करने वाले 15 अंक मिलेंगे। इसी तक महिला को 26 मिनट से कम समय में दौड़ पूरी करने के लिए 3 अंक मिलेंगे और 28 तक 10 अंक मिलेंगे और 30 मिनट तक पूरी करने वाले को 5 ही मिलेंगे। इस भर्ती में कांस्टेबलों के लिए 4,684 पद भरे जाएंगे। कांस्टेबल चालक के लिए 304 पद भरे जाएंगे और TSP व शहरी क्षेत्र में पृथक 402 पद भरे जाएंगे। कांस्टेबल भर्ती जिलेवार होगी दोस्तों। RSC महाराणा प्रताप बटालियन के लिए 8वीं पास, अन्य कांस्टेबल पद के लिए 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ये थी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़। और कोई नया अपडेट होगा तो हम इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से पहुँचाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।